नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है जिसे जीना आता है वह सच्चा कलाकार। मानव जीवन एक अमूल्य निधि है। वह बड़े सौभाग्य का सुअवसर है कि हम सृष्टि के लिए किसी भी प्राणी को न मिले सकते योग्य सुअवसर को प्राप्त करें और मानव प्राणी कहलाए। यह अनुपम अवसर कुत्साओं के कीचड़ और कुठड़ाओं के दल दल में पड़े रहकर नारकीय यातनाएं सहते हुए मौत के दिन पूरे कर लेने के लिए नहीं है, वरन इसलिए है कि हम परमेश्वर की इस पुष्प प्रतिकृति दुनिया के सौंदर्य का रसास्वादन करते हुए अपने को धन्य बनावे और इस तरह जिए जिसमें पुष्प जैसा मृदुलता, चंदन जैसी सुगंध और दीपक जैसी रोशनी बड़ी पड़ी हो। जीवन जीना एक कला है जिसे ठीक तरह जीना आ गया वह इस धरती का सम्मानित कलाकार है। उपलब्ध साधना सामग्री का उत्कृष्ट उपयोग करने के दिखा सकता है, यही तो कौशल्य कसौटी है। अधिक साधना के अभाव और प्रस्तुत अवरोध की चर्चा में जो प्रस्तुति उपलब्धियों की महत्ता कम करना चाहता है और यह कहता है कि यदि अमुक साधन मिल सके होते तो अमुक कर्तव्य प्रस्तुत करता उसे आत्म बचमना के निरत ही कहना चाहिए। जिस कलाकार से अवगत कलाकार अपने स्वल्प साधनों से ही महान अविभजना प्रस्तुत करते रहते, जिस जीना आ गया उसे सब कुछ आ गया और वह सच्चा शिल्पी है यह मानना चाहिए। अस्तु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।